नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 अगस्त दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में जातीय गन्ना को मिली मंजूरी। बिहार में बिजली विभाग बदलेगा बिजली बिल का फॉर्मूला। सिंचाई और खेती के लिए सीएम नीतीश ने दिया बड़ा आदेश। अवैध खनन को रोकने के लिए बिहार सरकार कर रही ये काम। पासपोर्ट बनवाना है तो यह काम करना है जरूरी, विदेश मंत्रालय ने जारी किया निर्देश। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IBPS SO के 1402 रिक्त पदों पर भर्ती। IBPS SO पद के लिए होने वाली परीक्षा का नोटिस जारी कर दिया गया है। वे कैंडिडेट्स जो इस एग्जाम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन की ऑफिशियल वेबसाइट https://ibps.in/ पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हालांकि विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता विभिन्न निर्धारित की गई है, जिसे अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिफिकेशन पर जाकर देख सकते हैं। अगर आयु सीमा की बात करें तो इन भर्तियों के लिए एज लिमिट 20 से 30 साल तय की गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2023 से की जाएगी। बिहार में जातीय गणना को मिली मंजूरी। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा जातीय सर्वेक्षण मामले पर सुनवाई करते हुए नीतीश सरकार को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल कोर्ट की ओर से बिहार सरकार को जातीय गणना कराने की अनुमति दे दी गई है और इस मामले में दायर विरोधियों की याचिका को पटना हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया। मालूम हो तो इस संबंध में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा 3 जुलाई 2023 से 5 दिनों की लंबी सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा गया था। पिछले सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सर्वे का उद्देश्य आम नागरिकों से संबंधित आंकड़ा एकत्रित करना है, जिसका उपयोग उनके कल्याण और हितों के लिए किया जाएगा। इस सर्वे का लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। ऐसा सर्वेक्षण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि यह अधिकार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, यह असंवैधानिक और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के आवेदन के लिए बढ़ी अंतिम तिथि। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को 7 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में वे शिक्षक जो अब तक इसके लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे अपने सभी दस्तावेज, क्षेत्र के दौरे की रिपोर्ट, स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और छात्र जीवन को बेहतर बनाने वाले कार्यों की फोटो, ऑडियो और वीडियो के साथ 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन के बाद शिक्षकों को आवेदन की हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करनी होगी। मालूम हो कि पंजीकरण के लिए आवेदक nationalawards2teacher.education.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदन संबंधी अन्य जानकारी के लिए शिक्षक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हालांकि इन सब के अलावा इस पुरस्कार के लिए कुछ पात्रता मानदंड भी तय किए गए हैं, जिसके तहत इस पुरस्कार के लिए केवल न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा वाले नियमित शिक्षक और स्कूलों के प्रमुख ही पात्र हैं। जो शिक्षक इस वर्ष सेवानिवृत्त हो गए हैं लेकिन कम से कम 30 अप्रैल 2023 तक सक्रिय ड्यूटी पर थे, उन पर भी पुरस्कार के लिए विचार किया जा सकता है। पंजीकृत शिक्षक अभ्यर्थियों को ट्यूशन कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए। शैक्षिक प्रशासक, शिक्षा निरीक्षक, प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, संविदा शिक्षक और शिक्षा मित्र इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है। बिहार में बिजली विभाग बदलेगा बिजली बिल का फॉर्मूला। बहुत जल्दी बिहार में बिजली बिल के फॉर्मूले में बदलाव होने वाला है। दरअसल बिजली विभाग की ओर से राज्य में टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू किया जाएगा, इसके लिए तैयारी की जा रही है। मालूम हो कि अगर यह नियम बिहार में लागू होता है तो दिन के बिजली की दरें रात के बिजली की दरें से अलग होगी। मालूम हो कि इसको लेकर बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार यह नियम लागू होने के बाद दिन के दौरान बिजली की दरें रात के बिजली दर की तुलना में सस्ती होगी। ऐसे में इस नियम से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि दिन के दौरान आम लोग घरों में कई ऐसे काम करते हैं जिसमें बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही दुकान प्रतिष्ठान भी दिन के समय ही ज्यादा खुलते हैं। इसके साथ ही कई ऐसे काम है जो दिन में किए जाते हैं, ऐसे में वे लोग जो दिन में बिजली का इस्तेमाल अधिक करते हैं उन्हें काफी लाभ पहुंचेगा। बता दें कि इस फॉर्मूले के तहत सूर्य की रोशनी रहते तक 10 से 20% बिजली सस्ती होगी और रात में कोयले से उत्पादन होने वाली बिजली की कीमत 10 से 20% महंगी होगी। अवैध खनन को रोकने को लेकर बिहार सरकार कर रही ये काम।
बिहार में अवैध खनन को रोकने के लिए बिहार सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है, इस बारे में बीते दिन प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित सुनवाई कार्यक्रम के दौरान खनन एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर रमानंद यादव के द्वारा जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से खनन पर जुलाई, अगस्त व सितम्बर तक रोक लगाकर रखी गई है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इन महीनों में अवैध खनन करता हुआ पकड़ा जाता है तो उनके ऊपर विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर अवैध खनन या ओवरलोडिंग वाली गाड़ी पाई जाएगी तो वहां पदस्थापित खनन विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और फिर जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेब्रा क्रॉसिंग पार करने पर इस दिन से लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। राज्य में ट्रैफिक नियम को सुदृढ़ बनाया जा सके इसके लिए कई नियम लागू किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक और नया नियम लागू किया गया है जिसके अंतर्गत अगर ट्रैफिक सिग्नल लाल हो और जेब्रा क्रॉसिंग से पहले गाड़ी नहीं रोकी जाती है तो वाहन मालिक को 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। बता दें कि 5 अगस्त से लाल सिग्नल होने पर केवल पैदल यात्री ही सड़क पार कर सकेंगे और उस दौरान बाकी सभी वाहन जेब्रा क्रॉसिंग से दूर होने चाहिए। मालूम हो कि नियम तोड़ने पर जो 5,000 रुपए के जुर्माने लगाए जाएंगे उसे वाहन मालिक के द्वारा 3 महीने के अंदर जमा करना होगा। इस बारे में ट्रैफिक SP पूरन कुमार झा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि इस नियम को 5 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में इस नियम का पालन न करने वालों को जुर्माना देना होगा। शेखपुरा में इस दिन नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला। अगर आप भी बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। बता दें कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बिहार के शेखपुरा जिले के अभ्यास मध्य विद्यालय में एक दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस मेले में तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। मालूम हो कि विभाग की ओर से इस मेले का आयोजन 3 अगस्त 2023 को किया जा रहा है जिसका समय सुबह 10:30 बजे पूर्वाहन से 4:30 बजे अपराहन तक निर्धारित किया गया है। इस रोजगार मेले में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी ncsportal.http://ncs.gov.in पर निबंधन करा सकते हैं। इसके अलावा आयोजन स्थल पर भी निबंधन कराने की व्यवस्था मौजूद है। इस रोजगार मेले से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला नियोजन कार्यालय या मोबाइल नंबर 0634125700 पर संपर्क कर सकते हैं। सिंचाई और खेती के लिए सीएम नीतीश ने दिया बड़ा आदेश। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जल संसाधन एवं लघु जल संसाधन विभाग के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें उन्होंने खरीफ सिंचाई 2023 की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि कार्य में सहूलियत मिल सके इसके लिए अधिक से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए सिंचाई के लिए जो भी जरूरी और उपयोगी कार्य है उस पर त्वरित कार्रवाई करे। पहाड़ी क्षेत्रों के निचले भागों में जल संचयन क्षेत्र विकसित करें। पूर्व से चलाई जा रही सिंचाई योजनाएं पूर्ण क्षमता से कार्य किया गया है या नहीं यह सुनिश्चित कराएं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से शुद्ध किए गए पानी का उपयोग भी कृषि कार्य के लिए कराएं। नहरों की सफाई के कार्य पर ध्यान दें। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने के लिए लक्ष्य के अनुरूप तेजी से कार्य करें। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे साइक्लोपियन दीवार के बारे में। एक साथ लगे हुए बड़े पैमाने पर अवांछित पत्थरों से निर्मित यह दीवार प्राचीन ग्रीक दीवारों के साथ अपनी समानता के लिए लोकप्रिय है। राजगीर का प्राचीन शहर राजा बिंबिसारा और उनके पुत्र अजातशत्रु की राजधानी थी जो बुद्ध के समकालीन थे। शहर के चारों ओर एक किलाबंद दीवार के निशान पाए जाते हैं। इस दीवार को बड़े पैमाने पर अवांछित पत्थरों के साथ बनाया गया था जिसकी चौड़ाई लगभग 14 है। इसे प्राचीन ग्रीक दीवारों के साथ अपनी समानताओं के लिए साइक्लोपियन दीवार के रूप में लोकप्रिय रूप से कहा जाता है। दीवार को मजबूत करने के लिए अंतराल पर घर बनाए गए थे। पाली ग्रंथों के अनुसार किलाबंद शहर में प्रवेश करने के लिए 32 बड़े द्वार और 64 छोटे थे। रत्नागिरी पहाड़ी के साथ चल रही इस प्राचीन विशाल दीवार का काफी हिस्सा अभी भी वहां है जो पहाड़ी के आधार से ढाल की ओर शुरू होता है। ट्रांसजेंडरों के लिए बिहार सरकार की ये है प्लानिंग। दोस्ताना सफर की सचिव और राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की सदस्य रेशमा प्रसाद के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि बहुत जल्द ही बिहार की राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से नगर निगम को आदेश दे दिया गया है और इसके साथ ही नगर निगम की ओर से विनिर्माण को लेकर स्वीकृति दे दी गई है। मालूम हो कि अब राज्य में ट्रांसजेंडर के लिए लगभग 1,500 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से नगर निकाय को जिम्मेदारी दी गई है। अब बहुत जल्द ही जगह चिन्हित कर निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी जाएगी। मालूम हो कि केंद्र सरकार की ओर से यह निर्देश ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 के तहत दिया गया है।
पूर्व मध्य रेलवे के 12 स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि अब रेल यात्रियों को होटल खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्दी स्टेशन परिसर में ही 3-स्टार होटल की सुविधा मिलने वाली है। मालूम हो कि पूर्व मध्य रेलवे के 12 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने की योजना बनाई गई है, जिसमें सबसे पहले राजेंद्र नगर टर्मिनल, गया जंक्शन और मुजफ्फरपुर जंक्शन के नाम शामिल है, जहाँ 3-स्टार होटल की सुविधा मिलने वाली है। वहीं मालूम हो कि स्टेशन परिसर में 3-स्टार होटल के अलावा और भी कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिनमें ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिया जाएगा, मॉल और मल्टीपर्पज बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा, अंडरग्राउंड या मल्टी स्टोरी बनेगी, आसपास की सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा, सर्कुलेटिंग एरिया सुरक्षित जोन के तौर पर विकसित किया जाएगा, प्रवेश और निकास द्वार ऐसे होंगे जहां भीड़ न लगे, प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर व लिफ्ट लगाए जाएंगे और इसके साथ ही खान पान, वॉशरूम, पेयजल, एटीएम और इंटरनेट की भी सुविधा बहाल की जाएगी। बिहार कैडर के 11 आईएएस अफसरों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किए गए अधिसूचना से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिहार कैडर के 11 आईएएस अफसरों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, जिनमें पलका साहनी, आर लक्ष्मणन, अभय कुमार सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव, मनीष कुमार, कुमार रवि, दिवेश सेहरा, कुलदीप नारायण, बाला मुरुगन डी, संदीप कुमार आर, पुडलकट्टी और सुश्री रंजीता के नाम शामिल है। दरअसल देश में नई पेंशन योजना वर्ष 2003 में 22 दिसंबर को लागू किया गया था। ऐसे में इसके पूर्व की नियुक्ति के लिए अधिसूचित पद पर नियुक्त सेवकों की पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से बीते 13 जुलाई को एक पत्र भी भेजा गया था। पासपोर्ट बनवाना है तो यह काम करना है जरूरी, विदेश मंत्रालय ने जारी किया निर्देश। अगर आप भी पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब पासपोर्ट बनवाने के लिए आधार कार्ड का डिजी लॉकर से लिंक होना अनिवार्य है। बता दें कि यह नियम 5 अगस्त से लागू हो जाएंगे। मालूम हो कि विदेश मंत्रालय के द्वारा यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि फर्जी आधार के जरिए पासपोर्ट बनवाने पर नियंत्रण पाया जा सके। हालांकि इस निर्णय के बाद लोगों को अपना आधार सत्यापन करवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका यह काम डिजी लॉकर से हो जाएगा। इसके साथ ही वैसे लोग जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए 21 प्रकार के दस्तावेजों की सूची जारी की गई है। वहीं निर्बाध सत्यापन के लिए पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र व अन्य प्रमाण पत्र को भी डिजी लॉकर पर होना अनिवार्य है। बिहार में खाद्यान्न उत्पादन एवं उत्पादकता में आई वृद्धि। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में खाद्यान्न उत्पादन अन्न उत्पादन में वृद्धि आई है, तो वहीं बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कमी आई है। बता दें कि सूचकांक के अनुसार राज्य में खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2017 से 18 में 16,530.8 टन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 18,099 टन हो गया है। इसके साथ ही अन्न उत्पादकता में वर्ष 2005 से 6 में 1,344 टन से बढ़कर 2021 से 22 में 3,012 टन हो गया है। वहीं इन सबके अलावा बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के पोषण घटक में वंचितों की संख्या में भी कमी आई है, जिसके तहत वर्ष 2015 से 16 से 2019-21 में 35.47% की कमी आई है। बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। बिहार में पिछले कई दिनों से लोगों को गर्मी की मार झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। बता दें कि आईएमडी बिहार के द्वारा किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आज रोहतास और भभुआ जिलों के 1-2 स्थानों में अति भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों के 1 या 2 स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर, नालंदा और गया जिलों में 1 से 2 स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। राज्य के उत्तरी, दक्षिण, मध्य और दक्षिण पूर्व जिलों के 1 या 2 स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। वहीं अगर कल के मौसम की बात करें तो राज्य के अधिकांश जिलों में 1 या 2 स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। इसके अलावा किशनगंज, पूर्णिया, भभुआ और रोहतास जिलों के 1 या 2 स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। सिमुलतल्ला 6ठी और 11वीं प्रवेश परीक्षा के लिए आवश्यक सूचना। अगर आप भी उन छात्रों में से हैं जो सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई की कक्षा 6ठी या 11वीं में नामांकन लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई की कक्षा 6 सत्र 2024-25 में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने और परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु दिनांक 18 अगस्त 2023 तिथि तक विस्तृत कर दिया गया है। मालूम हो कि इस संबंध में बोर्ड की ओर से सभी जिला शिक्षा कार्यालय को जानकारी भेज दी गई है। इसके अलावा बोर्ड की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई के लिए 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने और परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए 7 अगस्त 2023 तक तिथि विस्तृत कर दिया गया है। और इसके साथ ही नामांकन हेतु आवेदन किए गए विद्यार्थियों के जारी डमी एडमिट कार्ड में भी 7 अगस्त 2023 तक त्रुटि सुधार किया जा सकता है।
बेतिया में शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम की ओर से जी तोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही और साथ ही तस्कर शराब तस्करी के लिए नए नए तरीके भी अपना रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला बेतिया जिले के मझौलिया का है, जहां पुलिस के द्वारा विशेष समकालीन अभियान के तहत छापेमारी करते हुए ज्ञानी भगत को 180 ml 8 pm का टेट्रा पैक के 23 पीस अंग्रेजी शराब के साथ बरामद किया गया है। इसके साथ ही चार शराब तस्करों की भी गिरफ्तारी की गई है, जिन्हें नशे के हालत में गिरफ्तार किया गया और फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान नथुनी शाह, फिरोज आलम, सुरेंद्र महतो और दिलीप महतो के रूप में की गई है। मालूम हो तो इस बात की जानकारी इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अभय कुमार के द्वारा दी गई है। बिहार के इस एयरपोर्ट से मुनाफे के मुकाबले में पटना एयरपोर्ट भी रह गया पीछे। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट ने अपने 33 महीने के सफर में कई उपलब्धियों को अपने नाम कर लिया है। मालूम हो कि इस एयरपोर्ट ने मुनाफे के मामले में पटना एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। बता दें इस बात की जानकारी खुद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट के तहत पटना एयरपोर्ट से एक विमान में औसतन जहां 125 से 130 यात्री करते हैं, तो वहीं दरभंगा एयरपोर्ट से अमूमन 150 से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट से विमान सेवा की शुरुआत वर्ष 2020 में 8 नवंबर से हुई थी। इस एयरपोर्ट के निर्माण होने से सिर्फ जिले के लोगों को ही फायदा नहीं मिल रहा, बल्कि उत्तर बिहार के लगभग एक दर्जन जिलों के लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है। उन्हें आने जाने में काफी सहूलियत मिल रही है। बीसीई सीईबी बिहार डीएलआरएस एडमिट कार्ड जारी। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने बीसीई सीईबी बिहार डीएलआरएस के लिए आवेदन किया है, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विशेष सर्वेक्षण के अंतर्गत सहायक बंदोबस्त अधिकारी, कानूनंगों, अमीन और लिपिक के कुल 10,101 पदों पर भर्ती के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद की ओर से एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसे उम्मीदवार परीक्षा के आयोजन की अवधि 17 अगस्त तक डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए बीसीईसीईबी की आधिकारिक वेबसाइट bceebord.bihar.gov.in पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। आईटीआर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बीतने के बाद करें ये काम। 31 जुलाई 2023 आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख थी। ऐसे में जिन लोगों के द्वारा अब तक आईटीआर फाइल नहीं किया गया है, तो वह अब विलंबित आयकर रिटर्न फाइल करेंगे। बता दें कि इसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने के लिए भी एक तारीख निर्धारित की गई होती है। ऐसे में अगर उस तारीख के बाद बिलेटेड आईटीआर फाइल नहीं होती है, तो फिर रिटर्न फाइल करने का कोई तरीका नहीं बचता, यानी कि इसके बाद केवल सरकारी कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हम आपको बता दें कि बिलेटेड रिटर्न करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। मालूम हो कि वैसे लोग जो बिलेटेड आयकर रिटर्न फाइल करेंगे, उन्हें लेट फीस भी पेनल्टी के तौर पर देनी होगी, जो कि उस व्यक्ति की आय के हिसाब से निर्धारित की जाती है। लेकिन इन सब के साथ यह भी ध्यान रखें कि अगर आईटीआर फाइल करने में लेट करने के बाद और लेट की जाती है, तो उसके लिए आपको लेट फीस के साथ ब्याज भी देना होगा, जो कि कर राशि के 1% हर महीने की दर से लगता है। जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले का लालू यादव ने किया स्वागत। बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के द्वारा जाति गणना को लेकर जो फैसला दिया गया है, वह स्वागत योग्य है। इससे बिहार के लोगों की स्थिति की जानकारी सामने आ सकेगी और साथ ही विकास के भी रास्ते खुलेंगे। बिहार में जातीय गणना कराने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को हम धन्यवाद देते हैं। वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया कि कोर्ट का यह फैसला बिहार की जनता का जीत है, यह फैसला बिहार हित में लिया गया है। भाजपा की साजिश पर हाईकोर्ट ने बिहार सरकार का समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि जातीय गणना की मदद से हर जाति में गरीब लोगों के लिए योजना बनाने में मदद मिलेगी। अब हम पूरे देश में जातीय गणना की मांग करेंगे। टीम इंडिया में शामिल होने पर छलके रिंकू सिंह के आंसू। डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए रिंकू सिंह को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। ऐसे में रिंकू के लिए टीम इंडिया में शामिल होना किसी सपने से कम नहीं है। बीसीसीआई ने रिंकू सिंह को टीम इंडिया से बुलावा मिलने पर अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रिंकू ने केकेआर के लिए आईपीएल 2023 आईपीएल 2023 में लगाए 5 छक्कों की एक झलक पेश की है। इसके बाद उन्होंने तब से लेकर अब तक अपनी जिंदगी में आए बदलाव पर बात की। उन्होंने कहा कि आईपीएल 2023 के उन लगातार 5 छक्कों के बाद जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। मेरे घर वाले काफी खुश थे। रिंकू ने आगे कहा कि यह सब चाहते थे कि मैं टीम इंडिया के लिए खेलूं और सब मुझे टीवी पर देखना चाहते थे। सब कुछ काफी अच्छा था।
भारत इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। मुर्शिदाबाद पर 1763 को कब्जा करने के बाद ब्रिटिश सेना का पश्चिम बंगाल के गिरिया में मीर कासिम से युद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। ब्रितानी संसद ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय प्रशासन अपने हाथों में लेने वाला विधेयक पारित किया। ब्रिटिश सरकार ने 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित कर बर्मा और अदन को भारत से अलग किया। श्रीमती सी बेलियप्पा मुतम्मा 1970 में भारत की पहली महिला राजदूत बनी, जिन्हें हंगरी का राजदूत बनाया गया। विश्वनाथ आनंद 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले एशियाई बने। पाकिस्तान से भारत से चीनी आयात को 2001 में मंजूरी दी। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। भारत के प्रसिद्ध उद्यमियों में से एक जीपी बिरला का जन्म 1922 में हुआ। भारतीय क्रिकेटर एमवी श्रीधर का जन्म 1966 को हुआ था। पश्चिम भारतीय क्रिकेटर फिलो वालेस का जन्म 1970 को हुआ था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अरशद अयूब का जन्म 1958 को हुआ था। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपानी का जन्म 1956 में हुआ। जाने माने कवि एवं गीतकार उमाकांत मालवीय का जन्म 1931 को हुआ था। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म 1877 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्हें रसायन विज्ञान के जनक माने जाने वाले प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म 2 अगस्त 1861 को हुआ था। पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार रमा किंकर बैच का निधन 1980 में हुआ। वेलकम बैच, हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक दावा किया जा रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं खत्म की जाएंगी। पीआईबी ने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। नई शिक्षा नीति में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं है। व्हाट्सएप को सिक्योर करने के लिए इस तरह लगाए 6 डिजिट का पिन। आज के दौर में व्हाट्सएप पर भी हमारी कई महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो हम दूसरों से बचाकर रखना चाहते हैं। ऐसे में व्हाट्सएप हमारे अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए 2FA की पेशकश करता है। ये फीचर एडिशनल सिक्योरिटी लेयर की तरह काम करता है जो हमारे अकाउंट को सेफ रखता है। इसे ऑन करने पर समय समय पर कंपनी आपसे 2FA पासवर्ड पूछेगी ताकि आपका अकाउंट सेफ रहे। 2FA फीचर को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग में जाकर अकाउंट में जाना है। यहाँ आपको 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है और पासवर्ड सेट कर लेना है। एक बार पासवर्ड सेट हो जाए तो फिर कंपनी आपसे हर 7 दिन में इस पासवर्ड को दर्ज करने के लिए कहेगी। ध्यान दें, व्हाट्सएप लॉक और ऐप लॉक के अलावा ये लॉक भी आपको खोलना होगा। बिना इसके आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर दें। हमारा पहला सवाल है, वह कौन सा ऐसा शहर है जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी इंदौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। अगला सवाल, एशियाई युवा जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा। ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी पटना। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा है। अगला सवाल, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 28 जुलाई, ऑप्शन बी 29 जुलाई, ऑप्शन सी 30 जुलाई, ऑप्शन डी 31 जुलाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 28 जुलाई। अगला सवाल, बिहार का राज्य पशु कौन है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी गौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गौर। अगला सवाल, उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी राजा गोपाल, ऑप्शन डी महिपाल प्रथम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजा गोपाल।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कमलेश शर्मा, गुनर शर्मा, किशले कुमार, रंजीत मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद सकीर हुसैन, हलीश्वर कुमार, हीरा अली सबरी, स्वाति कुमारी, गोलू कुमार यादव, रवि कुमार राम, राजीव कुमार, अतीक खान, मंटू कुमार, मोहम्मद असलम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार जातीय जनगणना सही है या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।